इस वक्त मैं किश्तवाड़ में हूँ और किश्तवाड़ के मैं उस मंदिर में हूँ जो कहा जाता है कि माता अपने आप स्वयं प्रगटी है। और किश्तवाड़ के इस जगह पर यानी सरथल देवी के नाम से ये माता रानी का मंदिर प्रसिद्ध है। और मेरे ठीक के पीछे वही स्थान है, देवी स्थान है, जिसे सरथल देवी के नाम से लोग जानते हैं। और यहाँ पर लोग आकर यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं और माता के चरणों में नतमस्तक होते हैं और माँ उनकी मुरादें पूरी करती है। आप ये सरथल माता का मंदिर देख सकते हैं। हमें वीडियोग्राफी अंदर अलो नहीं करते हैं और इसीलिए हम बाहर से ये वीडियोग्राफी कर रहे हैं और आपको ये पूरा सरथल माता का व्यू जो है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पेड़ है और इस पेड़ के साथ कई तरह की इस तरह की ये जो आप देख रहे हैं ये चुन्नियाँ बांधी हुई हैं। और चुन्नियाँ बांधने का मतलब है कि लोग यहाँ पर ये चुन्नी बांध कर मन्नत मांगते हैं। यहाँ पर माता रानी के दूर इस इलाके में, इस पहाड़ी इलाके में देखिए कि दूर दराज के पूरा का पूरा अगर मैं व्यू आपको दिखाने की कोशिश करूं, यह पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। और इस पहाड़ी एरिए में जब आप किश्तवाड़ की तरफ जाते हैं या जम्मू की तरफ जाते हैं तो ये बीच में एक रास्ता पड़ता है और वो सरथल देवी जो है स्थान पर जाता है। आप देख सकते हैं नीचे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और यहाँ पर लोग नाच रहे हैं। लोग ये खुशी है उन भक्तों की जिन्होंने यहाँ पर मन्नत मांगी थी। यहाँ का इतिहास जो है कुछ ये भी बताता है कि जिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जो लोग किश्तवाड़ या किश्तवाड़ के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो इस सरथल देवी स्थान को यहाँ पर अपनी कुल देवी भी मानते हैं और कुल माता के नाम पर यहाँ पर यह जानी जाती है। और यहाँ पर आकर लोग जो है अपनी कुल देवी को जो पहला अनाज है वो भी यहाँ पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बुज़ुर्ग भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हर लोग जो है वो आते हैं, बुज़ुर्ग हों बच्चे हों सभी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर जो है माता रानी के दरबार पर मन्नतें यहाँ पर मांगते हैं। और उन लोगों की माँ जो है वो मन्नतें भी मांगते हैं। अपने हाथों में चुन्नी और प्रसाद लेकर ये लोग यहाँ पर आते हैं और माता रानी के आगे नतमस्तक होकर माँ से यहाँ पर मुरादें मांगते हैं। यहाँ पर दूर दराज के इलाके से यहाँ पर लोग आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर मुंडन करने यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर माता रानी के स्थान पर जो है मुंडन भी जो है वो यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर इस देवी स्थान को सरथल देवी के नाम से जाना जाता है और ये प्रसिद्ध देवी स्थान है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो अगर आप किश्तवाड़ या किश्तवाड़ के आसपास कहीं जा रहे हैं या वापस वहाँ से आ रहे हैं जम्मू की तरफ, तो आप ज़रूर सरथल देवी स्थान पर आइएगा और इस माता रानी के स्थान पर आप नतमस्तक हो जाइए और माँ आपकी हर मुराद जो है वो पूरी करती है। जेके मीडिया के लिए जो सरथल देवी स्थान से मैं अमित शर्मा।